अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके साथ नाश्ते में खाए जाने वाले अचारी आलू बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। अचारी आलू बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की जरूरत है उसके लिए हमने लिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, साबुत जीरा 1 टीस्पून, टार्टरी 1 से 2 चुटकी, आप अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे जितना आपने खटास का इस्तेमाल करना है, कलौंजी मेथे और सौंफ 1/2 टीस्पून लेने हैं, इसके साथ लहसुन जो है वो 1/2 पोथी और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेना है। 700 से 800 ग्राम हम आलू इस्तेमाल करेंगे। इन आलुओं को हम छीलेंगे नहीं, इसने हम अच्छी तरह से धोकर इस्तेमाल करेंगे। अब हम आलू पकाना शुरू करेंगे। इसके लिए हमने 1 से 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है। लहसुन और अदरक को पीसकर हमने पेस्ट बना लिया है। हम इसे बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस इसका कच्चापन ही खत्म करना है। अब जो है इसका कच्चापन खत्म हो चुका है, हम आंच जो है चूल्हे की बिल्कुल हल्की कर लेंगे और इसमें तमाम मसाला जात जो हैं वो शामिल कर देंगे और इनको मिक्स करके इसके साथ ही हमने आलू डाल देने हैं। हमने इसे फ्राई नहीं करना क्योंकि अगर हमने इसको फ्राई किया तो मसाले जो है वो जल जाएंगे। आलुओं को हमने अच्छी तरह से धो लिया है, छीला नहीं है, बल्कि क्योंकि हमारे नए आलू से इस वजह से छिले छिले अंदर से कुछ महसूस हो रहे हैं, कुछ बस छिलका है, फिर उनको अच्छी तरह से धोया है। अब इन्हें हम मिक्स करेंगे और हमने इसके अंदर इतना पानी डाल देना है कि आलू जो है वो इसके अंदर डूब जाए। अब हमने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। अब हम इसे पहले तेज आंच पर पकने देंगे, जब इसको उबाला आ जाए तो फिर उसके बाद हम इसकी आंच जो है उसे हल्का कर देंगे। आलू जो है इन्हें पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, लेकिन आलू अभी पूरी तरह से नहीं गले, ये खुद ही टूटना शुरू हो जाएंगे, तो फिर इनको तोड़ना है। अभी हम इन्हें और पकने देंगे। इन आलुओं को पकते हुए आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है, तकरीबन 40 मिनट होने वाले हैं और अब अगर हम चेक करें तो आलू जो हैं वो अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इन्हें इसी चमचे और फोर्क की मदद से पीस देंगे। आलू जो है उन्हें चमचे की मदद से ही पीस लिया है, जिस तरह से ये नजर आ रहे हैं छिलके भी इनके अंदर ही हैं। थोड़ा सा हम इन्हें और पीस लेंगे। अभी आलू पीस जाएंगे तो इसका जो शोरबा है वो भी ग्रेवी की सूरत में थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा। आलू जो है वो अच्छे से मैश हो गए हैं। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से है। ये इस तरह से ग्रेवी ग्रेवी सी वाले हैं। इसमें ट्रेडिशनली तो सब्ज धनिया और सब्ज मिर्चें नहीं जाती, अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें नहीं डाल रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। शुक्रिया।